Good morning students, how are you? Today I will teach you Maths Chapter 3. This is Roman numerals. This is new topic for you. Okay, so aaj hum Roman numerals ke bare mein study karenge. Indo-Arabic numerals. आप देख रहे हैं इधर Indo-Arabic numerals लिखे हुए हैं, इधर Roman numerals लिखे हुए हैं. Indo-Arabic numerals जो काउंटिंग नॉर्मल बोलते हैं 1, 2, 3, 4 आप इस तरह से लिखते हैं, हिंदू न्यूमरल्स में आता है. आप इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, जैसे आपको 1 को रोमन में लिखना है तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, मतलब 1 स्ट्रेट लाइन. आपको 2 लिखनी है तो 2 स्ट्रेट लाइन. आपको 3 लिखना है तो 3 स्ट्रेट लाइन. अगर आपको 4 लिखना है तो रोमन न्यूमरल्स में 4 इस तरह से लिखते हैं. या आपको लर्न होना चाहिए कि 4 कैसे लिखते हैं. 5 ओनली अ सिंपल वी, दिस इज 5. तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, रोमन न्यूमरल्स में आप कैसे इसको रीड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ओके, फर्स्ट हमने 5 तक किए, नाउ 6. आप 6 कैसे लिखेंगे, आपको एक वी लिखना है. वी का मतलब होता है 5. इस 5 के आगे आप 1 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, दिस इज 6. अगर आपको 7 लिखना है तो पहले आप लिखेंगे 5, फिर इसके आगे 6, 7. तो ये आपका बन गया 7. अगर आप 8 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, पहले 5 का वी लगाएंगे, देन 6, 7, 8. ये आपका 8 हो गया. अब इसके बाद 9. आप 9 कैसे लिखेंगे, 1 स्ट्रेट लाइन एंड x, दिस इज 9. स्टॉप, 9 बोलेंगे. 10, 10 के लिए आपको सिंपल यूज करना है x, ये 10 हो गया. मतलब आप x के आगे अगर एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो उसका मतलब 9 होता है और 10 का मतलब x. ओके, नाउ 10 के बाद 11. 11 हम कैसे लिखेंगे, हमने 10 कैसे लिखा था, x बनाया था. अगर आप x के आगे 1 स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, दिस इज 11. अगर आप x के आगे 2 स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दिस इज 12. अगर आप x के आगे 3 स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दिस इज 13. 14 के लिए आपको क्या करना है, पहले x लगाना है, x का मतलब 10. 10 में आप 4 ऐड करेंगे तब 14 होता है. आपने 4 के लिए वहां क्या लिखा था, इस तरह से. तो x का मतलब तो 10 और 4 के लिए आप लिखेंगे तो ये हो गया 14. 15 के लिए आप लिखेंगे x v, x का मतलब 10 और v का मतलब 5, तो 10 और 5 15. ओके, 15 का समझ आया आपको. नाउ 16, 16 कैसे लिखेंगे आप, 16 का मतलब होता है 10 और 6. तो 10 के लिए आप लगाएंगे x और 6 कैसे लिखते हैं आप, 5 और 5 के आगे 1 स्ट्रेट लाइन, दिस इज 6. 17 कैसे लिखेंगे, x का 10 और b के आगे 2 स्ट्रेट लाइन, दिस इज 17. 18 कैसे लिखेंगे आप, x और x के आगे b के आगे आपको
आपको हम वर्कशीट सेंड करेंगे, वो वर्कशीट आपको मैथ्स की फेयर नोटबुक में करनी है।